हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, देश के नए मुख्य न्यायाधीश CJI। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना नए CJI। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 अक्टूबर 2024 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को देश का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यहां से दो बातें क्लियर हो रही हैं। एक तो ये क्लियर हो रही है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। एक प्रश्न क्रम के हिसाब से आता है कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना देश के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो उसमें क्या होगा, 51वें। वह 11 नवंबर 2024 को शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल 6 महीने से कुछ अधिक समय तक 13 मई 2025 तक रहेगा। और किसका स्थान लेंगे, वह निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जो कि 10 नवंबर 2024 को 65 वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जैसा मैंने बताया कि CJI की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, और मुख्य न्यायाधीश जो है भारत का त्याग पत्र किसे देता है, तो वो भारत के राष्ट्रपति को देता है। न्यायमूर्ति खन्ना जो है वो 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने थे और जनवरी 2019 में जो है वह पदोन्नत होकर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो 2,80,000 होता है। अब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की किन महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी रही है, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है, जब जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया था तो उस निर्णय वाली पीठ में भी भागीदार थे, और जो है इलेक्ट्रोनल बॉन्ड को जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया था तो वो उस पीठ के भी हिस्सा थे। इसके साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब आबकारी नीति में अंतरिम जमानत दी गई थी तो वो 2 सदस्यीय पीठ का भी हिस्सा थे। एक GK एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।